अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शेबी सईद पॉडकास्ट। आज हम लोग करने वाले हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग पर एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं पाकिस्तानी अम्माद, जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत सालों से काम कर रहे हैं और वो आज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के पोल पांडे खोलने वाले हैं, जैसे कि वकास जका, डकी भाई जो कि बोलते हैं बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है मेरा, और टिकटॉकर जुल्कल नैन। तो आज अम्माद से पूछेंगे कि क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग पैसा बनाकर देता है या लॉस देता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को एंड तक वॉच करना ताकि आप लोग भी क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में कुछ समझ सको। अस्सलाम वालेकुम अम्माद। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कितने साल से कर रहे हैं? मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग में काफ़ी टाइम हुई है यार, जैसे 2.5-3 साल हो गए हैं तकरीबन। आप क्या करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में? क्रिप्टो ट्रेडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग वगैरह, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करता, मैं स्टॉक्स ट्रेडिंग भी करता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करता हूँ, जब जहाँ मुझे जो सहूलत दिखती है और जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा होता है, मार्केट जहाँ पर मुझे सही दिख रही होती है वहाँ पर फिर मैं अपना काम करता हूँ। क्रिप्टो असल में कहते किसको है? या क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो आप बोल सकते हो कि एक कोई भी प्रोजेक्ट को जो कि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट हो वेब 3.0 का। अब वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड से मुराद ये है कि जैसे अभी आपका बैंक वगैरह है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। आप अपने पैसे बैंक में रखवाते हो, ये क्या है? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। आपके पैसों का जो पूरा कंट्रोल जो होता है वो बैंक्स के पास होता है। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, पूरा का पूरा आपका जो एक्सेस होता है आपके पैसों का वो आपके पास होता है और किसी के पास नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ये चलता है ब्लॉकचेन के ऊपर। वकार का जो ट्रेडिंग करते, क्या वो सही है? वकार का जो ट्रेडिंग करता है बिल्कुल वो सही है, और मैं भाई वो मेरे उस्ताद हैं और मैंने उनसे काफी सारी चीजें सीखी हैं, आप लोग भी उनसे सीख सकते हैं और मैं भी उन्हीं का जो एक स्टूडेंट आप कह सकते हैं, और मैं भी सिखाता हूं, मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं खुद से भी, क्योंकि एक गुरु होता है ना, वो आपको सिर्फ हाथ पकड़ के चलना सिखा देता है, अब आपको उस रास्ते पे खुद चलना होता है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको फिर उसके अंदर जो है वो एक्सप्लोर खुद से करनी पड़ती है। वकार दादा ने तो अपने इंस्टाग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है और व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया है, क्या आप उनके ग्रुप में ज्वाइन होकर आपने सीखा क्रिप्टो ट्रेडिंग? नहीं, मैंने कभी मैं ज्वाइन तो नहीं हुआ ग्रुप वगैरह में इनके, लेकिन क्योंकि उस वक्त में मेरे अंदर पोटेंशियल था, मैं मुझे शौक था, तो मैं ऐसा नहीं था कि मैंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं उनकी पोस्ट वगैरह देखता था, वीडियोस वगैरह देखता था, और सिर्फ पक्का लगा ही नहीं, और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सिखाते हैं, और मैंने पेड कोर्सेज भी बहुत सारे किए हैं, मैंने पेड जो है ऑनलाइन ग्रुप से सीखा। आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया लेकिन एक अपना ग्रुप बना लिया? हाँ बिल्कुल, वो इसलिए बनाया है ताकि एक कम्युनिटी हो जहाँ पर हमारी पाकिस्तानी यूथ सीख सके आकर, और ये बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई कोर्स नहीं है। वकार जगह का अगर देखा जाए तो वो पेड ग्रुप है हमारा, नहीं इंस्टाग्राम पेड ग्रुप तो नहीं है। हाँ इंस्टाग्राम पे ये है कि वो चैनल जो है वो फ्री है, लेकिन वहां पर वो इतनी सही चीजें नहीं देता जैसे वो अपने पेड ग्रुप पे फेसबुक पे पेड सिग्नल्स देता है। तो हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है वहां पर हम लोग अपने सिग्नल्स भी देते हैं, मैं जो अपना एनालिसिस होता है कॉइन वगैरह का वो भी मैं शेयर करता हूँ, और बहुत सारी टिप्स जो होती है मैं अपने मशवरे भी दे रहा होता हूँ, और मैं साथ साथ ये भी बोल रहा होता हूँ कि आप अपनी एनालिसिस भी जरूर करें, क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ बोला और वो पॉइंट खुदा ना खासा नीचे गिर गया, लॉस पे चले गया, लॉस में चला गया, तो आप मुझे ब्लेम करेंगे, तो मैं इस वजह से रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी भी एनालिसिस करें। अब वो आप कैसे करेंगे वो आप सीखें, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर हर चीज बताई हुई, आप आए, आप प्ले लिस्ट को एक्सेस करें, आप कोर्स करें, हर चीज सीखें, और फिर जब हम आपको कुछ बताते हैं तो आप उसका खुद से भी एनालिसिस करें और फिर उसके ऊपर पैसा लगाएं। क्रिप्टो में कितने हद तक पैसा कमाया जा सकता है? क्रिप्टो में आप अनलिमिटेड पैसा, अंधाधुंध पैसा कमा सकते हो, लाख करोड़, हाँ, अरब, करोड़ करोड़ बिल्कुल ऐसी है, अरब तक कमा सकते हो। अभी वकार दका ने भी मार्केट से नीचे गिर गई थी तो उसने पैसा कमाया करोड़ों में, तो आप भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आपको मार्केट समझ आनी चाहिए, आपको मार्केट का एनालिसिस करना आना चाहिए, और जो भी मार्केट चल रही हो उस वक्त सही फैसला करना आना चाहिए, और ये जब ही होगा जब आपको सही तरीके से मार्केट का एनालिसिस करना आता होगा और सारी चीजें पता होगी, क्योंकि अगर आप ऐसे ही पैसा लगा दोगे आकर आंख बंद करके आपका पैसा डूब जाएगा, पैसा डूब जाएगा। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है क्रिप्टो के बारे में
सही है, सारे इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि बहुत पैसा बहुत पैसा है, क्या क्रिप्टो में लॉस भी है? बिल्कुल ऐसी है, क्यों नहीं है, लॉस तो है भाई, लॉस हर जगह है, रिस्क है इसमें, काफी ज्यादा रिस्क है, लेकिन आपके लिए रिस्क जब कम हो जाता है जब आपको आ जाती है चीज, तो यही चीज है, कोई भी चीज हो, आप चाहे शॉपिफाई करो या वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कर लो, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी कर लो, उस चीज के लिए चीता बनना पड़ता है, चीता बनना पड़ेगा। अभी जो टिकटॉकर हैं जुल्कर नैन और यूट्यूबर जो हैं डक्की भाई, जुल्कर नैन ने अपनी वीडियो डाली थी कि 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया क्रिप्टो में, और डक्की भाई ने भी वीडियो डाली कि 4 करोड़ का नुकसान हो गया, क्या ये सच था या आवाम को छे बनाया? नहीं, हुआ ये है कि अभी ईरान ने इसराइल पर अटैक किया था, तो उसपे क्रिप्टो की मार्केट काफी ज्यादा हिली थी, वो नीचे गिरी थी। वो तो डक्की ने अभी डाला ना वीडियो, जुल्कर नैन ने तो काफी पुरानी वीडियो डाली है। आप देखिए, इसमें सबको पता है कि क्रिप्टो की मार्केट जो है अगर अभी गिरी है तो ये ऊपर जरूर जाएगी, तो जब अटैक हुआ तो मार्केट काफी ज्यादा नीचे गिरी, इनका जितना भी पैसा था बेशक उनका तकरीबन 1 करोड़ रुपए लगे हुए थे भले, लेकिन वो जब अटैक हुआ तो उनके जो जितने भी पैसे थे वो जाहिर सी बात है कम हो गए, लॉस में चले गए, वो क्रिप्टो मार्केट जब गिरी तो मिसाल के तौर पर 70,000 डॉलर चल रहा था तो डॉलर 60,000 डॉलर पर आ गया, तो उनका लॉस हुआ, उनके ट्रेडिंग व्यू पैनल पर लॉस दिखा रहा था, लेकिन उनको भी पता है ये बात कि बिटकॉइन अभी ऊपर जाएगा और हल्के हल्के ऊपर जाएगा, भले अभी नीचे आइए लेकिन ऊपर जरूर जाएगा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाम गंदा किया है मार्केट का, क्रिप्टो का, और लेकिन ये बात सच है कि उनका पैसा डूबा? नहीं, डूबने का मतलब क्या होता है, डूबने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल वो क्वाइन एक तो ठप हो गया, खत्म हो गया, या क्रिप्टो दुनिया से उजड़ गई, ये हुआ ना, जो कि हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल ऐसी है। अगर हमें क्रिप्टो सीखना होगा तो हमें किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, अगर आपको क्रिप्टो सीखनी है ना तो सबसे पहले आपको ये जो हाथ पकड़ने वाली चीजें होती है ना कि आप समझते हैं कि यार ये मुझे हाथ पकड़ के सिखाओ, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं होगी, क्योंकि कुछ भी चीज आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाई जाती। अब मैं अपने ग्रुप पे भी काफी सारी चीजें बता रहा होता हूँ ना, तो मैं उनको साथ साथ यही बोलता हूँ कि भाई मैं हर चीज हाथ पकड़ के नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद से भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब आपको सबसे पहले ये चीज अपने अंदर से निकालनी है, उसके बाद आप सीखें, हमारे पास आकर सीखें, आप किसी और के पास जाइए सीखें, हमारे पास आने से मतलब है हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए, वहाँ पर सारी की सारी वीडियोस अपलोड हैं, क्रिप्टो की बेसिक सारी क्लियर है, टेक्निकल एनालिसिस सारा समझाया हुआ है, अभी कुछ और वीडियोस हैं जिससे हर चीज क्लियर हो जाएगी, वो अभी कुछ दिनों में वीडियोस अपलोड होंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको भी पता है, तो इस वजह से मैंने अपलोड नहीं करी। हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा क्रिप्टो में पैसा, क्रिप्टो में पैसा, तो क्या आप हमें अभी लाइव ट्रेडिंग करके दिखा सकते हैं? मैं आपको जरूर दिखाता हूँ, और ये मैं चाहता भी हूँ लाइव ट्रेडिंग करके, ताकि हमारे जो देखने वाले उनको ये प्रूव हो जाए, प्रॉफिट बना के दिखाता हूँ आपको। चल आए तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ, आपको दिखाते हैं लाइव ट्रेडिंग। चलिए फिर, आप लोग रेडी हैं लाइव ट्रेडिंग देखने के लिए? पॉडकास्ट में भी चल रही है, ब्लॉग में भी चल रही है, तो इस बात को मेरी याद रखना, चलते हैं। तो आपको सबसे पहले देखें क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ ताकि हमारे पॉडकास्ट के व्यूवर्स को भी सही दिखे, और यहाँ पर जो है हम इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें कि मार्केट चल रही है इसकी, बिटकॉइन की ट्रेडिंग व्यू ये मैंने खुला हुआ है। अब यहाँ पर जो है अभी डे वन का चार्ट खुला हुआ है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक मिनट में मैं आपको पैसा बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग चलते हैं पेपर ट्रेडिंग की तरफ, ट्रेडिंग पैनल पे चलते हैं, ये हमारा बनता है लॉन्ग का, क्योंकि यहाँ पर एक जो है सपोर्ट बन रही है काफी अच्छी। अच्छा, तो यहाँ से हम करेंगे लॉन्ग, यहाँ से हम प्राइस इसकी इतनी चल रही है, 1 यूनिट हम ले लेते हैं, इसमें इतनी चीजें देखनी है क्योंकि ये पैसा डेमो का है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं बाय। अब देखते हैं हमारा कितना प्रॉफिट बनता है। शुएब भाई आप देख लें मैंने कितने पे करा है, 64,992। यहाँ से मैंने क्या किया है, पोजिशन को लॉन्ग, अब मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरा पैसा बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है और हमारा कितना पैसा बनता है।
बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है। कितना हो गया हमारा? $17 का प्रॉफिट। 17 वाह। अभी आप देखें, इसको बोलते हैं मार्केट एनालिसिस। आप देखें और आपको समझ आ जाए। 90 चले गया, $19 चला गया, प्लस 21 प्लस 30। ओहो बॉस, अभी शुएब को हो रही है देर, तो मार्केट में देखें पेशेंस रखनी पड़ती है। इसमें लॉस होता है, फिर प्रॉफिट होता है, और अगर आपकी ट्रेड सही है, आपको लगता है कि आपकी पोजीशन पे जाएगी, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जब जाके आपको सक्सेसफुल होगी। अभी हमारी 30 पे थी, $3 पर आ गई। ये डिपेंड करता है आपकी कैपिटल के ऊपर कि आपने कितना कैपिटल लगाया है अपनी ट्रेड के ऊपर, और उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है। जितना ज्यादा आपका कैपिटल होगा, जितने ज्यादा आप पैसे लगाएंगे, उतना ही आपको जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जो हमें $30 इतनी जल्दी हो गया, वो हमारे कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितना कैपिटल अपनी ट्रेड में लगाया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल पर आकर सीख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अम्माद ने लाइव ट्रेडिंग करके दिखाया और मैं अम्माद के साथ बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था अम्माद भाई पैसा उड़ा रहे ट्रेडिंग से, पैसा दरक से झड़ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों ने क्रिप्टो के बारे में काफी सारा चीज सीखा होगा। नहीं सीखा तो जाए हम मार के जाके यूट्यूब चैनल में सीखे, इनका ग्रुप वगैरह ज्वाइन करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।